सोलन में चिट्टा लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन चिट्टे की जड़ें जिला सोलन में ज्यादा गहरी न हो जाए इसके लिए सजग पुलिस जिला में पनप रहे तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगी है। आज भी कुठाड़ में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास से चिट्टा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि सोलन एक एजुकेशन हब है, यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और युवा ही चिट्टे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं और चिट्टे का भारी मात्रा में सेवन भी कर रहे हैं। इसलिए चिट्टे की तस्करी करने वालों का सबसे बड़ा टारगेट सोलन जिला है, जहां वे खुद या नशे की लत में पड़े बच्चों से ही नशे की तस्करी करवा रहे हैं। सोलन में चिट्टा लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन चिट्टे की जड़ें जिला सोलन में ज्यादा गहरी न हो जाएं इसके लिए सजग पुलिस जिला में पनप रहे तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगी है। आज भी कुठाड़ में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास से चिट्टा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि सोलन एक एजुकेशन हब है, यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और युवा ही चिट्टे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं और चिट्टे का भारी मात्रा में सेवन भी कर रहे हैं। इसके लिए चिट्टे की तस्करी करने वालों का सबसे बड़ा टारगेट सोलन जिला है, जहां वे खुद या नशे की लत में पड़े बच्चों से ही नशे की तस्करी करवा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि कुठाड़ के किशनपुरा में एक व्यक्ति पुलिस को देखते ही भागने लग गया। पुलिस ने उस व्यक्ति का पीछा किया और पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से करीबन 16.60 ग्राम चिट्टा और इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पिछली रात को लगभग 3 बजे हमारा कुठाड़ चौकी में बिशनपुरा जगह पड़ती है, वहाँ पे हेड कांस्टेबल जसवीर की अगुवाई में एक ट्रैफिक चेकिंग का नाका लगा हुआ था। तो रात को लगभग 3 बजे एक लड़का मोबाइल की टॉर्च जला के चलता हुआ आ रहा था और उसने कैरी बैग लिया था। जैसे उसने पुलिस पार्टी को देखा तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। उसको जब काबू किया गया और उसकी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 16.6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी था। इस व्यक्ति ने पूछने पे अपना नाम विक्रम उर्फ बिक्की बताया, जो कि रामपुर का रहने वाला है। 39 ईयर्स ओल्ड इसकी एज है। इसमें इस हेरोइन को सीज कर लिया गया है और पुलिस ने 21 NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल। तो ये था आजमपुर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचडी के साथ। नमस्कार।